पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। रमकंडा क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश से कच्चे मकान गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही तेज बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। वह तो गनीमत रहता है कि जिस वक्त मकान गिरता है उस वक्त लोग मकान के अंदर नहीं रहते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होने से रोका नहीं जा सकता है। हम बात कर रहे प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर रमकंडा पंचायत अंतर्गत पड़ने वाला ऊपर टोला निवासी नंदू राम का, जिसका मकान बुधवार की दोपहर 12 बजे तेज बारिश के भेड़ चढ़ गया। जब हमारी बात नंदू राम के बेटे धनंजय राम से हुई तो उन्होंने बताया कि मकान गिर जाने से हम लोगों को परेशानी खड़ा हो गया है। यह बरसात के दिन में हम लोग कहाँ रहेंगे, यही बात को लेकर चिंतित है। बारिश की वजह से मेरा घर गिर गया है, मेरा मकान बहुत जरूरी है, रहने से दिक्कत हो रहा है, जल्दी मकान चाहिए। कल 12:11 पर गिरा है। मेरा मकान चाहिए, रहने में दिक्कत हो रहा है। मुखिया के खबर किए थे लेकिन अभी तक नहीं आया है। वार्ड आए थे, देख के गए हैं, मकान गिर गया है, हम लोग को रहने में दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है आपका? धनंजय राम, रमकंडा ऊपर टोला। के पंचायत में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका कच्चा का मकान गिर रहा है, उनको अभी तक आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। इसमें कहाँ गड़बड़ी है, अभी तक क्यों नहीं मिल पाया, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरे पंचायत में गरीब परिवार का कच्चा का मकान गिर तो रहा है और गिरने का सिलसिला जारी है अधिक बारिश के वजह से, लेकिन उन लोगों को अभी तक आवास नहीं बनने का रीज़न यह है, 2011 के सर्वे में स्टाफ के द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते उनका शेक डाटा में नाम ऐड नहीं हुआ, जिसके चलते अभी तक उनका आवास नहीं बना है। पर फिलहाल हम लोगों को द्वारा सर्वे की ऑर्डर मिला था, उसमें उन लोगों को सर्वे करके नाम जुड़वा दिया गया है। इसमें विशेष तौर में देखा जाए कि स्टाफ के लापरवाही के वजह से यह दिन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि डोर टू डोर स्टाफ जाकर के सर्वे करते तो शायद 2011 के ही शेक डाटा में उनका नाम ऐड हुआ होता तो आज उनका मकान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता।